नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे गोयल एल्यूमिनियम की। तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ राहत तो आज देखने को मिली है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इसमें फंसे हुए हैं काफ़ी टाइम से ऊपर, तो यहाँ फाइनली आज अपर सर्किट देखने को मिला है। जैसा कि मैंने आज सुबह की वीडियो में बताया भी था और पूरी संभावना जताई थी कि यहाँ पर आज क्या मतलब एक दो दिन में अपर सर्किट देखने को मिलेगा इस लेवल से। हालांकि ये मत सोचिएगा कि मेरे कहने पे मैंने बताया तो इसलिए अपर सर्किट लग गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी यूट्यूबर अगर आपको ऐसा कह रहा है तो बहुत ही फिर गलत बात है। मैंने तो 10 रुपये के आसपास के लेवल पे बताया था कि यहाँ से रिवर्सल दे सकता है, लेकिन नहीं दिया, उसके नीचे आया। ठीक है, तो कुछ लेवल्स होते हैं, सर्टेन लेवल्स होते हैं, वही मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि यहाँ से नहीं तो यहाँ से संभावना बन सकती है। तो फाइनली वैसा ही देखने को फिलहाल मिला। और जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ESM की स्टेज वन में है और ESM की स्टेज में आने के बाद पहली बार अपर सर्किट देखने को मिला है। ओपन 8:40 पे जरूर हुआ था, लो भी 8:40 का है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाई इसने 9.28 रुपये का लगाया है। आज इसमें आपको वॉल्यूम में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। यहाँ पर 5,17,368 का वॉल्यूम है और ये लगभग 3:26 पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया और ये मामला है BSE का। और 87,663 शेयर्स लगे हुए हैं बाइंग साइड के लिए, बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं। वहीं हम लोग NSE पे बात करेंगे तो NSE पे देखिए तगड़ा वॉल्यूम आया है। यहाँ पर 29,37,729 का इसने वॉल्यूम जनरेट किया है। और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे 3,23,188 शेयर जो हैं परचेज साइड लगे हुए हैं बाइंग के लिए, और ये भी लगभग 26 मैंने लिया है और ये मामला है NSE का। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जिस हिसाब से ऑर्डर लगे हुए हैं तो मांग के चलिए अभी एक दो दिन तो आपको अपर सर्किट देखने को ही मिलेगा। वॉल्यूम में देखिए क्या सडन बढ़िया जंप आपको देखने को मिला, 35 लाख का इसने आज वॉल्यूम ओवरऑल जनरेट किया है, तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है। बाकी यहाँ पर ये देखिए, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये मामला ये गलत है। मैंने कल के आज जो मॉर्निंग में वीडियो डाला है वहाँ पर मैंने एग्जैक्टली बताया था आपको NSE BSE की साइट से। तो कल लगभग मेरे ख्याल से 4 लाख का शेयर वॉल्यूम था, 4 या 5 का, और वीडियो देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी क्या संभावनाएं बनती हैं, कहाँ तक इसका पहला टारगेट हो सकता है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको ये वाला जो लेवल है 12 रुपये का लेवल, यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आते हुए देखने को मिल सकता है। और ये लेवल अगर तोड़ जाता है तो फिर आपको ऊपर देखने को मिल सकता है 15 रुपये के लेवल। तो जो लोग जैसे जिन्होंने आसपास लिया हुआ है, जो थोड़ा बहुत अगर लगता है कि हाँ भाई इतना लॉस हम बियर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि सर हम निकल नहीं पा रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उनको लगता है कि हाँ 2-4-5% 10% 20% का लॉस है बियर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं निकल जाना चाहिए, भले लगने दीजिए, या एक काम और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपर सर्किट लग रहा है तो जैसे ही अगले दिन अपर सर्किट पे लॉक हो, या आप उसको वॉच बना के रखिए और तुरंत स्टॉप लॉस लगा लीजिए उससे कुछ पैसे नीचे। ठीक है, ताकि ज़रा सा मूवमेंट हो तो आप निकल जाएँ, है ना, तो ठीक रहेगा। बाकी जिन्होंने बहुत ऊपर ले रखा उनसे रिक्वेस्ट है एवरेज करने की, गलती मैं तो यहाँ पर भी कह रहा था कहीं पर भी एवरेज करने की। इस तरह के स्टॉक्स को तो मैं कभी रिकमेंड ही नहीं करता हूँ कि आप एवरेज करिए, एवरेज करने से बिल्कुल बच के रहिए। इस तरह के स्टॉक्स को कभी भी एवरेज नहीं किया जाता है। ठीक है, और चलने दीजिए, अभी ऊपर जाने दीजिए, मेरे हिसाब से अभी जाएगा ऊपर, क्योंकि अच्छा खासा गिर भी चुका है और यहाँ से मुझे लगता है कि ऑपरेटर्स इसको खींच के अभी थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती होंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, रिस्पॉन्ड करता हूँ मैं सभी को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इस वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। चलिए धन्यवाद।